गाइस मैं तो फेल हो गया और ये पास हो गया। वो नाइन तो फेल हुआ था भाई। लगे तो नहीं भाई साहब। बोल नंबर बोलना। ले ओ गाइस सब अब आएगा। गाइस ए ए भाई फेल दिखा दे डायरेक्ट फेल आ गया। गाइस देखो साफ साफ लिख रहा है कि 12वीं क्लास में फेल हो गया। तेरी कर रही पुलिस तलाश से उतर सीता मस्ती का। भाई एक्सीडेंट। पर मना हुआ देख। अंधे अंकल चलाते समझ। तो गिरी तो थी। मेरे वेल्डिंग वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। हां वो देखो इसको देखियो सब बाहर आ गया। हां गाड़ी वो धुएं में निकल के दिख रहा है। लगी लगी तो नहीं भाई साहब। कुत्ते की वजह से हुआ। कुत्ते रिजल्ट आ गया। तुझे बहुत इंतजार था ना मेरे रिजल्ट का। वो पैसे अभी बताऊंगा। जय बाबा मोहन राम की। पुलिस वाले की जय। जय बाबा मोहन राम की। आज पानी डाला आज क्योंकि मैं अभी आ रहा था ना रास्ते में, इसलिए घर से आता तो पानी ले आता। चलो कोई ना खड़ा। कौन खड़ा आज हमारे सामने वाले घर में भैया? क्यों जी है ना कंपार्टमेंट आ गई। फुल साइज में आई है। रिजल्ट रिजल्ट दिखा रहा हूँ अभी। सही में भाई अभी दिखा रहा हूँ। ईमान से फोन में अभी दिखा। अच्छा तेरा तुझे बना रहा हूँ अभी दिख जाएगा। अच्छे जी तेरा फोन में नहीं होगा रिजल्ट। क्या बात है। देख रहे हो गाइस। गाइस मैं तो फेल हो गया और मैं पास हो गया। और ये पास हो गया। तेरा तो पिछले साल आ गया था। मेरा हिस्सा लगा। सिर्फ रिजल्ट दिखा रहा जूम करके जहाँ पे मेन चीज होता है और कह रहा नाम दिखाओ पर किया। इसे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपना ही दिखा रहा हूँ। पहले नाम देखो समझा। वो थंबनेल में लगा दूंगा। मैंने बोला भाई एडमिट कार्ड भेज दे। टेंथ का रिजल्ट भेज के कह रहा यार एडमिट कार्ड। अब पता फेल है पास है। निखिल आई नहीं यार। निखिल आई अब एक एडमिट कार्ड खो दिया। सोच मेन चीज ना एडमिट कार्ड ना कुछ रोल नंबर याद है बस। निखिल पास है जिंदगी में। फेल हुआ था ना ये वो नाइन्थ में फेल हुआ था। टेंथ में लॉकडाउन की वजह से पास हो गए। इस बार ना बेटा लॉकडाउन। आज है 12 मई 2023 और आज के दिन पता तुम्हें 12th क्लास वालों के लिए क्या है। आज के दिन आ रहा अपना रिजल्ट। अपना रिजल्ट आ जाएगा 12 मई को 12th क्लास का। और भाई तुम्हें पता है मैंने रिजल्ट के अंदर भी जब मेरा एग्जाम चले जब भी मैंने व्लॉगिंग कम नहीं करी। व्लॉगिंग कराया गया दिन रात कहीं भी कहीं कभी कहीं कहीं भी कहीं कभी कहीं घूमता रहा कभी कुछ मतलब रुका नहीं व्लॉगिंग। भाई आज आया उसका रिजल्ट भाई। कैसे मैंने मैनेज करा ये सब यूट्यूब भी और पढ़ाई भी। पढ़ाई तो सारे सच बताऊँ भाई करी नहीं मैंने। साफ सीधी बात है बहुत कम पढ़ाई करी। मेरे तो सुना पहले जितना पढ़ाया था पढ़ा दिया था मुझे। बाकी तो मैं यूट्यूब में लगा पड़ा था एडिटिंग वगैरह इन सब चीज़ में लगा पड़ा। पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत कम करी मैंने। फिलहाल आज उसका रिजल्ट आने वाला थोड़ी देर में आ जाएगा। अभी आने वाला दो चार मिनट में आने वाला तो मैं दिखा दूंगा क्या सीन है। बाकी भाई घर वालों का रिएक्शन क्या झूठ बोलूंगा। मेरा रिजल्ट आ चुका। सुबह उठते ही पता चल गया था कि मेरा रिजल्ट आ गया। फोन आने लग गए थे मेरे दोस्तों की तेरा क्या हुआ। मैंने चेक करा भाई क्या ही बोलूं। दोबारा करनी पड़ेगी। दोबारा बार भी करनी पड़ेगी यार। रिजल्ट में पहले व्हाट्सएप पे भेजता हूँ इसके अंदर जब दिखा दूंगा। क्या गूगल पे निकाल दे। चलो यस कितने दिन बाद दिखा होगा भाई। बहुत एक दो महीने बाद दिखा होगा ना या उससे भी पहले दिखा होगा पता नहीं। तुम लोग जानते नहीं जानते बता देना कमेंट में। रिजल्ट निकालता हूँ जब बताता हूँ भाई। फोन डाले महंगे महंगे फोन आ रहे। हेलो देखो पार्टी के लिए फोन आ रहे भाई। तो भाई पार्टी किस चीज की। कितने आए भाई तुम्हें कौन बता रहा है। 78 आया गाइस। आऊंगा अभी दब दे। रोल नंबर बोलना। ले ओ गाइस सब कुछ डाल दिया है तुम्हारे भाई ने। देखो साफ साफ लिख रहा कि 12वीं क्लास में फेल हो गया। ओ कास्ट से बाहर। गाइस अब मैं क्या करूं यार। मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे आज। गाइस यार मेरी मम्मी आई और बना ले व्लॉग। ओ भाई फेल हो गया मैंने। और बना ले व्लॉग। गाइस भाई मैंने फेल रिजल्ट क्या था।
रिजल्ट नोट पर प्लीज वेरीफाई योर डिटेल गाइस, ये थोड़ा रॉन्ग है यार, तुमने तो फाड़ दी यार मेरी तो गलत डाल दी के डिटेल गाइस, रिजल्ट आ चुका है, सच बता दे अब चल गलत दिखाना, रिजल्ट दिखा दिख रहा ना, नहीं दिख रहा हाँ तो फिर एक काम कर व्हाट्सएप खोल मैं भेजता हूँ ले, ये लो गाइस ये रहा अपना रिजल्ट, घूम करके दिखाऊंगा रुक जाओ टेंशन ना लो, पहले तो भाई कमेंट में जा बाबा मोहन राम की लिख दो, क्योंकि भाई बाबा मोहन राम को एक बार बोला और एक ही बार में बेड़ा पार कर चल रहा भाई, साफ साफ दिखा दूंगा, ये रहा भाई ये लो, ये रहा मेरा रिजल्ट सरकारी स्कूल का, ये रहा CBSE बोर्ड, इंग्लिश में इतने आए हैं, इसमें हिंदी में इतने, पोल साइंस में इतने, ज्योग्राफी में इतने, एप्लीकेशन में इतने, बाकी तो भाई ये तो किसी में नहीं है देख लो, ये रे परसेंटेज कितनी है मेरी, ये रखो भाई सबसे मेन बात ये रहा पास, कितनी मेरी बैठेगी 76 नंबर सो में से ना, ये साफ सीधी बात बता दूं तो मैं आज मैं अपना राज बता दूं मैंने क्या करा था बोर्ड के पेपर में पढ़ा वड़ा, तो भाई देखो पूरा क्वेश्चन होता मेरे भाई ऐसा था कि मेरे तो पीछे वाला बंदा था गाइस 60% भाई की 60.2 भाई जो भी है ठीक है जवाब होना की भाई पास हो गया बहुत बड़ी बात है, वरना तो भाई मेरी बहन ने तो मेरी भाई रिजल्ट देगा वो भाई छूटते बोला कि भाई ये अपनी अंगूठी दे दे फोन दे दे और बाइक की चाबी दे दे, मैं क्या हो गया अरे जो होना था वो हो गया, मेरे पापा को भी पापा कह रहे सही में फेल हो गया क्या, मतलब मम्मी पापा गुस्सा से होगा थोड़े से, मेरा रोने जैसा मुंह हो गया, लेकिन भाई तुम्हें दिखाऊंगा थोड़ी थोड़ी वीडियो गाइस देखो इसका रिजल्ट अपने मास्टर रॉयल की हरकतें अब तो सारी हरकतें निकल जाएंगे बेटा हरकत दे दो आप दे दो आप दिखाना दे दो आपके पास की कुछ भी नहीं है, उसका दिल धड़क रहा है आपके पास की कुछ भी नहीं है लोग तो गोल यार लेकिन भाई उस बात में मैंने फोन छीन के देखा था भाई पास निकला, मैं इतना खुश हुआ मैं घर से भाग गया, पता नहीं क्या कहा पता नहीं क्या खाने भाग गया, मतलब बहुत ज्यादा खुश हुआ, मैं पहले चिड़िया को दाना डाल गया, सुबह तुमने देख ली होगी क्लिप क्या क्या सीन हुआ, जो भी है गाइस भगवान में भरोसा, तो भाई बिना पढ़े भी पास हो जाओगे मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा पास हो जाओगे कोई दिक्कत ना, एंड गाइस मैं तुम बताऊँ मेरा पास कैसे हुआ, पीछे का बंदा था उसे बिल्कुल मतलब कि वो क्या करता था क्वेश्चन कोई देख देख के पता नहीं उल्टी सीधी कहानी बनाता था कुछ भी बनाता था, तो वो हुआ उसके साथ वो, तो भाई उसकी मैंने 1% भी चीटिंग नहीं मारी, आगे मेरे कोई बैठता नहीं था मैं सबसे आगे बैठता था, मैंने चीटिंग करी है नहीं करी बिल्कुल भी नहीं करी, पास हो गया यार मैं तो कैसे बताऊंगा गाइस, मान लो मेरे भैया ने बताया था कि क्वेश्चन में तो तुझे एक वर्ड का भी, जैसे कि पूरा बड़ा क्वेश्चन है उसमें तुझे एक एक वर्ड का भी कुछ पता है ना उस बारे में लिख दे, मैंने भाई मान लो कांग्रेस के बारे में पूछा था 1970 में, मैंने 1950 का लिख दिया कांग्रेस के बारे में सब कुछ, मैं कहा ऐसे ऐसे सीन था, लेकिन भाई वो इंसान मर गया था, मैंने जब भी उसके बारे में लिख दिया, लेकिन मैंने पेपर भरा भाई पूरे मतलब कि 16-17 सीट भर के आया हूँ मैं भाई, पास कर दिया मतलब कि डबल साइड ऐसे ऐसे एक पेज है ना इसके एक दो होते हैं ऐसे पूरा 16 एक दो तीन चार ऐसे मतलब कि 8 पेज भर के आया हूँ मैं हर सी सीट के, देखो मैंने क्या स्टेटस डाला, इन्हें देखो क्या डाला, पास हो गए, देखो पास हो गए कृपया करके रिजल्ट पूछने का कष्ट ना करे रिश्ता खराब हो सकता, इसके आए 79% इसलिए तो सिस्टम हैंग करता है मेरे 60 हैं भाई, ने दिन रात मेहनत करी है भाई बहुत, 22 बार ये नहीं था कि आसान पेपर है, बहुत हार्ड पेपर था इस बार, सिस्टम हैंग हो रहा है लेकिन भाई मजा आ गया, कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा मुझे तो खुद नहीं मुझे सही में नहीं हो रहा भाई मैं पास हो गया, लेकिन भाई वो ये ना बाबा मोहन राम की कृपा सिर पर आता है, कोई दिक्कत तो है नहीं किसी में, दिक्कत आने की नहीं है, मतलब मैं साफ साफ कह दी बाबा से कि भाई बेइज्जती ना हो चाहिए, मतलब फेर का थप्पा ना लगे, कोई है तेरे जानने वाला टेंट भाई, तो एक थी भाई पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, कौन थी गाइस इंस्टाग्राम वालों को एक आधे को बताओगे मेरे एरिया के पास, अबे हेलो का पास हो गया मैं।
बाल हुए बाल दिए तुम लोग, बस इतना ही था। इंस्टाग्राम में फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बस जय बाबा मोहनलाल। दरबार में जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे ये मिलेगा, इसके दरबार में जाने के बाद उसे वो भी मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके दरबार में भगवान का लिखा हुआ भी बदलता है।